हेलो एवरीवन, आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपने बहुत बार काफ़ी जगहों पर लगा हुआ देखा होगा और ये ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं, पर ये हमारी लाइफ का हमेशा से एक हिस्सा रहा है इन अ वेरी सटल मैनर। मैं बात कर रहा हूँ विनाइल फ्लोरिंग की। मैंने LVT वाली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं जल्द ही विनाइल फ्लोरिंग के बारे में भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, एंड हियर इट इज़। सो बेसिक्स फर्स्ट कि विनाइल फ्लोरिंग होता क्या है। विनाइल फ्लोरिंग एक्चुअली दोस्तों सिंथेटिक मटेरियल यानी कि PVC से बनी हुई लार्ज कंटिन्यूस फ्लेक्सिबल शीट्स होती हैं, जिसमें कई बार पीछे कुशन बैकिंग भी होता है, कुछ कुछ में नहीं भी होता है, बहुत सारे में होता भी है, और ये बहुत सारे इनफाइनाइट डिजाइंस और पैटर्न्स में उपलब्ध होती है। तो चलिए समझते हैं हिस्ट्री ऑफ विनाइल फ्लोरिंग, मतलब विनाइल फ्लोरिंग का इतिहास क्या रहा है। बात है 1933 की, जब विनाइल फ्लोरिंग को सबसे पहले एज अ फ्लोरिंग इंट्रोड्यूस किया गया था कंट्री ऑफ प्रोग्रेस एग्जीबिशन शिकागो में। इसके पहले इसको कैसे फ्लोरिंग के तौर पे यूज़ किया गया इसके बहुत सारे अपने अपने विचार हैं, बट लिनोनियम से होते हुए हम विनाइल फ्लोरिंग पर कैसे पहुँचे इसके पीछे बहुत सारे रिसर्च और मेहनत इन्वॉल्व है। पर विनाइल फ्लोरिंग की पॉपुलैरिटी गेन हुई World War II के बाद, जब बहुत सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बूम, रियल एस्टेट बूम और कंस्ट्रक्शंस बढ़ने लग गए। और इसके तीन मेजर कारण थे, वो ये था कि विनाइल फ्लोरिंग बहुत ही आसानी से हैवी ट्रैफिक फ्लो को कंट्रोल कर सकता था, मतलब ये हैवी ट्रैफिक एरियाज के लिए बहुत अच्छा था, तो इस वजह से कमर्शियल स्पेसेस के लिए फर्स्ट चॉइस बन चुकी थी। सेकंड था कि ये बहुत सस्ता था, इनएक्सपेंसिव मटेरियल था, काफ़ी जगहों पर मिल भी जाया करता था, तो इसे आसानी से लोग लगा सकते थे। और थर्ड है मेंटेनेंस, इसके ऊपर इजीली पोचा हो सकता है, इसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं, कई कट्स लग जाए तो आप इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। 1960s आते विनाइल फ्लोरिंग जो है वो काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और उस समय की नंबर वन इंडस्ट्री यानी कि कारपेट इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने लग गई थी। फिर आया 1970s और 1980s का दौर, जबकि PVC प्लैंक्स मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए और इसके साथ ही रियल वुड, रियल हार्डवुड फ्लोरिंग को एज एन ऑल्टरनेट इससे भी टक्कर मिलने लग गई। तो इस सेक्शन में बात करते हैं कि हमें विनाइल फ्लोरिंग क्यों लेना चाहिए, वाई शुड वी प्रेफर विनाइल फ्लोरिंग। सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ड्यूरेबिलिटी। हैंड्स डाउन विनाइल फ्लोरिंग हार्डवुड फ्लोरिंग और कारपेट से सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, और इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, उसकी थिकनेस कितनी है, उसको इंस्टॉल कैसे किया गया है। सेकेंड है वाटरप्रूफ, क्योंकि PVC 100% वाटरप्रूफ होता है, तो आप इसके ऊपर बेझिझक बहुत ही ईजीली मॉपिंग कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं इसको। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कम्फर्टनेस और क्वाइटनेस, मतलब इसमें ये गर्मी में गर्म नहीं होता है, ठंडे में ठंडा नहीं होता है। उसके बाद है ये रेजिस्टेंस टू डैमेज और मॉइस्चर, तो आप ये कोई भी जगह पे ना फंगी इसमें लगेगा, ना इसमें मॉइस्चर लगता है, ना इसमें कोई अलग से आपको इजीली डैमेजेस होते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, तो इसका इंस्टॉलेशन भी फटाफट हो जाता है, टाइल जैसा नहीं है जहाँ पे आपको लेबर को बुलाना पड़ेगा, फिर रेटी गिट्टी बिछा के फिर उसके ऊपर करना पड़ेगा, नहीं, ये आपके एग्जिस्टिंग फ्लोर पर बड़ी इजीली थोड़ा बहुत ऑल्टरेशन करके बड़ी इजीली लग जाता है। इसके बाद आता है ह्यूज नंबर ऑफ डिज़ाइंस एंड पैटर्न्स, क्योंकि ये जो बेस होता है इसके ऊपर फिल्म लगाई जाती है, तो बहुत सारे डिज़ाइंस, कलर्स, पैटर्न्स हज़ारों की संख्या में आपको मिल जाएगा। और सबसे लास्टली और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इकोनॉमिकल, आपको काफ़ी जगहों पर ये इकोनॉमिकल ऑप्शन दिखेगा, डिपेंडिंग अपन कि क्या थिकनेस आप ले रहे हैं, क्या डिज़ाइन ले रहे हैं, आपको बहुत सारा इकोनॉमिकल ऑप्शन विनाइल फ्लोरिंग में मिल जाएगा। तो चलिए इस सेक्शन में समझते हैं कि क्या क्या डिज़ाइन और पैटर्न्स आते हैं विनाइल फ्लोरिंग में। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं सॉलिड से, तो ये सॉलिड कलर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे आपके फर्श के लिए। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा चलन में हमेशा से रहा है वो है वुडन कलर्स, तो वुडन टोन्स, उसमें अलग अलग वुडन टोन्स आपको मिल जाएंगे, डार्क, लाइट, जैसे आपको चाहिए वैसा। और उसके बाद आता है मार्बल जैसे पैटर्न्स, जो टाइल्स जैसे पैटर्न्स आते हैं, जैसे ये आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, तो ये पैटर्न्स। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे डिज़ाइंस आती हैं, आपने देखा होगा पुराने घरों में जो टाइल्स के पैटर्न्स आते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, फ्लोरल पैटर्न्स में भी वुडन फ्लोरिंग आती है। अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है जब आप विनाइल फ्लोरिंग ले रहे हैं, वो ये है कि जब भी आप खरीदने जाएं मार्केट में, तो विनाइल फ्लोरिंग यूजुअली उनका पना होता है, एक ये रोल होता है, तो रोल 2 मीटर मतलब 6.5 फिट का रोल होता है मोस्टली, कभी कभी आपको 5 फिट का भी रोल देखने को मिलेगा। तो दोनों पने में रोल होता है, आपके पास आपके डायमेंशंस जहाँ पे आपको लगाना है उस कमरे की डायमेंशंस आपके पास साइजेस होनी चाहिए। उसके बाद आप दुकानदार से पूछें कि ये क्या पना है, पने के बाद आप फिर डिसाइड करें कि वो आपको रेट मीटर में बता रहा है या स्क्वायर फीट में बता रहा है, तो आपको मोल भाव कैसे करना है। तो इस सेक्शन में समझते हैं यूजेज ऑफ विनाइल फ्लोरिंग, मतलब विनाइल फ्लोरिंग कहाँ कहाँ यूज़ होते आई है।
देखिए दोस्तों, सबसे बेसिक हम लोग सबसे शुरू में शुरू करते हैं घरों से हमारे। तो हमारे घरों में किचन के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर विनाइल फ्लोरिंग, हम लोग मल्टीपर्पज विनाइल फ्लोरिंग लगाते हैं जिसमें 1.5 mm 2 mm सफिशियंट रहता है। उसके बाद करते हैं बात हमारे ऑफिसेस की, जहाँ पे हम लोग वापस से मल्टीपर्पज FR और बोलते हैं PUR कोटेड विनाइल फ्लोरिंग यूज़ करते हैं। इनमें भी अलग अलग कलर्स आते हैं और इसके साथ वुडन टेक्सचर्स भी यूज़ होते हैं। इसके बाद बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में आपने देखा होगा कि जो बच्चे या हम लोग जो स्पोर्ट्समैन बैडमिंटन खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसके अंदर ये 4.5 mm या 6 mm या 7 mm 8 mm की विनाइल फ्लोरिंग यूज़ होती है। ये विनाइल फ्लोरिंग में एक्चुअली अलग अलग लेयर्स हैं, नीचे कुशन बैकिंग है, ऊपर एक टॉप लेयर है। इससे होता यह है कि जो इंजरीज होती है, जो इम्पैक्ट ये फ्लोरिंग्स में होती है, तो इंजरीज होती नहीं है प्लेयर्स को। इसके बाद बात आती है हेल्थ केयर फ्लोरिंग्स की। तो हेल्थ केयर फ्लोरिंग्स में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या एरिया में यूज़ हो रहा है विनाइल फ्लोर। जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहला है कि ICU एरियाज़ होते हैं। ICU एरियाज़ के बाद होते हैं OTs। तो ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि फ्लोर जो है वो क्लीन रहे, वहाँ पे कंडक्टिव मशीन्स होती हैं, तो वहाँ पे ये इस तरह की कंडक्टिव फ्लोरिंग्स लगती हैं। तो कंडक्टिव फ्लोरिंग्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि OTs बनाने के लिए होता है। इसमें चिप्स लगी होती है फ्लोरिंग्स के अंदर, जहाँ से कंडक्ट जो आपका इलेक्ट्रो कंडक्टिव इसके में सब्सटेंस होता है। इसके बाद वहाँ पे दीवारों के ऊपर भी OT में विनाइल फ्लोर्स विनाइल्स लगे होते हैं, ये 1 mm की विनाइल फ्लो वॉल्स के ऊपर इंस्टॉल होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रीज की। तो इंडस्ट्रीज के अंदर भी मल्टीपर्पज विनाइल फ्लोरिंग्स यूज होती हैं। इस तरह की मल्टीपर्पज विनाइल फ्लोरिंग्स यूज होती है जो कि शॉप फ्लोर्स होते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। तो फैक्ट्रीज में बहुत बार जब उसके ऊपर वर्कर्स मूव करते हैं या कुछ इक्विपमेंट्स बना रहे होते हैं, तो उसके नीचे भी विनाइल फ्लोरिंग दिया जाता है। इसके अलावा बात करें स्कूल्स के अंदर, तो बच्चों की स्कूल्स में बहुत सारे कलरफुल ऐसी फ्लोरिंग्स दी जाती है जिसमें कुशन बैकिंग होता है ताकि बच्चों को लगे ना, और इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक और जहाँ पे आपने देखा होगा वो है हमारे जिम्स। तो जिम्स के अंदर भी हम लोग विनाइल फ्लोर इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी काफ़ी सारे पार्टनर्स आते हैं। ये नॉन वेट एरियाज़ में, जहाँ पे आप एरोबिक्स या फ्री वेट एरियाज़ जो होते हैं, जहाँ पे आप एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। तो ये सारी जगहों पर विनाइल फ्लोरिंग यूज़ होती है। इसके अलावा पब्लिक स्पेसेस में भी आपने देखा होगा, मॉल्स के अंदर, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर, या फिर आपने बस स्टॉप्स पे देखा होगा जहाँ पे विनाइल फ्लोरिंग का चलन है। तो 2 mm वैसे तो इसमें जो ज़्यादातर थिकनेस यूज़ होती है वो 2 mm की होती है। अब चलते चलते बात करते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। तो विनाइल एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, इसमें बहुत डाइवर्सिफाइड प्राइसिंग आपको मिलेगी। 18 रुपये या 15 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होकर के आपको 35, 40, 45 रुपये स्क्वायर फीट की विनाइल फ्लोरिंग घर के लिए, उसके बाद 55 रुपये से कि 75 रुपये 80 रुपये की स्क्वायर फीट की विनाइल फ्लोरिंग्स आपकी ऑफिसेस के लिए, जिम्स के लिए, इसके बाद जो है फैक्ट्रीज के लिए या स्कूल्स के लिए आपको मिल जाएगी 100 से कि 120 की रेंज में। और उसके ऊपर जो स्पेशलाइज्ड फ्लोरिंग्स आती हैं हॉस्पिटल्स के लिए वो शुरू होती है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं विनाइल फ्लोरिंग के, जैसे कि अगर जो एडेसिव जो यूज़ होता है विनाइल फ्लोरिंग लगाने के लिए, वो बहुत बार लोग उसके नहीं टॉलरेट कर पाते हैं। दूसरी बात, विनाइल फ्लोरिंग लगाने के बाद जब उसको बाद में निकालने जाते हैं तो नीचे स्टेन्स छूट जाते हैं। तीसरी चीज़ कि इसमें बहुत सारे हजार्डियस कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं विनाइल के अंदर, जो कि आपको हेल्थ के लिए अगर आप बहुत कॉशियस हैं तो फिर आप इसको अवॉइड करें। और चौथी चीज़ कि इसमें एक टेंडेंसी है कि बहुत बार जब धूप लग जाती है विनाइल फ्लोरिंग को, तो ये डिसकलर हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फेड हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये कुछ कॉन्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हर प्रोडक्ट में होते हैं। चलते चलते दोस्तों आपको एक ब्राउनी पॉइंट देते चलता हूँ। जब भी आप विनाइल फ्लोरिंग पसंद करें तो ये ज़रूर देखें कि क्या वो PUR कोटेड है, मतलब ये कैटलॉग के ऊपर हमेशा लिखा होता है, मेंशन होता है कहीं पे भी। अगर वो PUR कोटेड फ्लोरिंग है तो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो ये था दोस्तों हमारा एक वीडियो विनाइल फ्लोरिंग के ऊपर। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर कर सकूं, पर फिर भी अगर आपको कुछ सवाल है, कोई डाउट है, आपने कुछ विनाइल फ्लोरिंग लगाना प्लान किया है या चाहते हैं भविष्य में लगाना, और आपको कुछ भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब, ये हमें हेल्प करता है आप तक और नए वीडियोज़ लाने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर।